फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 अमेजिंग बातें बताने वाली हूँ जो कि बहुत खास है। अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो सकती हैं। क्या ऐसा काम करना है अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और आपका पहला ट्रिमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में चल रही हैं आप, तो ये 10 काम आपको जरूर करने हैं और डेफिनेटली ये आपको राहत पहुंचाएंगे, आपको मदद करेंगे उस समय होने वाली परेशानियों से निपटने में। सबसे पहली बात है रेस्ट करना। देखिए फ्रेंड्स, शुरू के 3 महीने में आपके बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। 3 महीने जो 12 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है उस दौरान बच्चा पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। उसके बाद जाके अगले 6 महीनों में बस उसका साइज बढ़ता है। तो कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है, आपको भी पता है कि जब कोई चीज निर्मित होती है, बनती है, तो उसमें बहुत काम करना पड़ता है, बॉडी ओवर टाइम करती है। तो जब बॉडी ओवर टाइम करती है तो थकान भी होगी, तो आपको इस समय बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। आप ये ना सोचें कि मैं तो बहुत ज्यादा सो रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है और आपको अपनी बॉडी को आराम देना है। तो आप मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप रात को 10 से 6 की संतुलित बैलेंस्ड नींद लें। इसके अलावा दिन में भी आपको जब बॉडी डिमांड करे आपको 1 घंटा या 2 घंटा जितनी भी नींद की जरूरत हो, नींद जरूर लें। दूसरी बात है कंफर्टेबल कपड़े पहनना। इस समय बॉडी में बहुत तरह का अनइजीनेस रहता है, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को कम भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सबको बनी रहती है। तो अगर आप कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे, जैसे टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहने, प्रॉपर साइज का अंडरगार्मेंट यूज करें, तो ये जो चीजें हैं ये आपको कंफर्ट देंगी, बहुत आराम देंगी, क्योंकि इस समय ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ने लग जाता है और बॉडी को भी प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए खुले कपड़ों की जरूरत होती है। तो आप अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखें, खुले और आरामदायक कपड़े पहने। अब पहली तिमाही में शरीर तो ओवर टाइम कर रहा है तो उसको एनर्जी भी तो देनी चाहिए, हमें उसको फ्रिक्वेंट मील देना है, छोटे छोटे मील लेने हैं, एक बार बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इस समय उल्टी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, रिफ्लक्स बहुत ज्यादा आता है, पेट से गैस बहुत ज्यादा बनती है। तो वैसे भी आप बहुत कम खा पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लंच में अगर हमने थोड़ा सा खाया तो बस हो गया, अब हम और नहीं खाएंगे, नहीं। 1 या 1.5 घंटे के बाद जब आपको डाइजेस्ट होने सा लग जाए तो आप वापस मिल लीजिए, आप कम से कम 5 छोटे छोटे मिल लीजिए। आप उसमें एक मील में छोटे सोक्ड ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, प्रोटीन बार ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, फ्रूट एडेड योगर्ट ले सकते हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके हैं। इस तरीके से आप अपना पूरा न्यूट्रिशन लीजिए, छोटे छोटे और कई आप मील जरूर लीजिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है। पानी पीना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फ्लूड कम होगा आपकी बॉडी में तो आपका बच्चा भी ड्राई होने लग जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चा एक सैक में होता है, उसके अंदर पानी होता है और उसी पानी में बच्चा फ्लोट करता रहता है। तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। इस समय कई बार वॉमिटिंग होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जुबान जो है ना ड्राई होने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, बॉडी से साल्ट कम होने लग गए तो आपको क्या करना है, आपको ORS, जो WHO मार्क्ड ORS मिलता है केमिस्ट शॉप पे, आपको वो लेना है, उसको बना के रखना है, थोड़े थोड़े टाइम से उसको लेना है। अगर आपको वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है तो आप उसको रूटीन में यूज करें, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा, आपको चक्कर नहीं आएगा इससे। आपको वेट का टेंशन नहीं लेना है कि मेरा तो वेट लूज हुआ जा रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, वेट तो बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में, राइट? प्रेगनेंसी में वेट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शुरू के 3 महीने बहुत लोगों का वेट घट भी जाता है, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है, बॉडी में आप जितना खाते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ट्रांसफर होता है, उसके क्रिएशन में लगता है। तो इस समय आपको वजन का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है 12 हफ्ते तक 3 महीने तक। शुरुआती 3 महीने में आपको जमीन पे नहीं बैठना है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। आप अपनी फैमिली में सबको बता दें कि ये चीज, बाकी लोग भी आपको याद दिला दें, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार आप भूल जाएं। हमेशा आपको चेयर या सोफे पे या ऊपर आराम से बैठना है, जमीन के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना, इसका आप खास ध्यान रखें। इसके अलावा आपको तेज स्मेल, कोई भी चीज की, चाहे कोई खाना बन रहा हो, किस किचन में कुछ भी कुक हो रहा हो, चाहे कोई डिओडोरेंट हो, चाहे कोई परफ्यूम हो, चाहे किसी भी चीज की कोई तेज खुशबू है, तेज महक है, उससे आपको बचना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको तुरंत से वॉमिट हो जाए, क्योंकि शुरू के 3 महीने कोई भी तेज महक बर्दाश्त नहीं हो पाती है। इसके अलावा आपको आपकी नियरेस्ट आसपास में कोई बहुत ही अच्छी गायनिक डॉक्टर को ढूंढना है, उनसे मिलना है, उनसे प्रेगनेंसी रिलेटेड बातें करनी है, चीजों को डिस्कस करना है, पॉइंट्स को डिस्कस करना है, रेगुलर मंथली फॉलोअप लेना है। जो भी डॉक्टर विटामिन सजेस्ट करते हैं, एम्प्टी स्टमक की दवाइयां सजेस्ट करते हैं, वो आपको जरूर लेना है, इससे आपको बहुत ज्यादा आराम रहेगा इस समय में।
इसके अलावा इस समय अनइजीनेस तो बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको हल्की फुल्की लाइट कपालभाति नहीं करना है, बिल्कुल हल्का फुल्का ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इससे आपको तनाव नहीं होगा, किसी तरह की जो मन में परेशानी उलझन रहती है ना, क्योंकि शरीर में डिस्कम्फर्ट रहता है तो मन भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। तो आपको अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास आप अभी से करेंगे, ये आपको डिलीवरी के समय काम आएगा, कि आपको ब्रीथिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगी 9 महीने की, और डिलीवरी के समय आप प्रॉपर ब्रीथ कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पुश करने के लिए आपको ब्रीथ बहुत अच्छे से लेना आना चाहिए। प्रॉब्लम चाहे कितनी ही हो शुरू के 3 महीनों में, लेकिन आपको हमेशा बहुत डिटरमाइन रहना है, ध्यान रखना है, खुद के लिए ही नहीं अपने बच्चे के लिए भी आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, जिसमें दाल हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन भी हो, सलाद भी हो, हरी सब्जियां, एक सर्विंग हरी सब्जी का जरूर आपको खाना है। और क्या नहीं खाना चाहिए शुरू के समय में, इस पे मेरा एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उसे भी देखें, ताकि आप उन चीजों को अवॉइड कर सकें जो चीजें शुरुआती प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बहुत सारे टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। यूट्यूब सहेली के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखें, और डेली अपडेट्स जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।